और गाइस जितने भी हमने अभी तक इनकी YouTube पे देखो वीडियोस भी देखे हैं ना, उसमें भी लोगों ने ज़्यादातर मेनली तंदूरी चाउमीन के बारे में बताया है। तो गाइस हम चाहेंगे कि जो इनकी टैगलाइन है ना, हम वो दूसरी डिशेज में भी ट्राई करें। तो हमारी जो टैगलाइन है आप देखेंगे वो भी हमने यही लिखी है, हाउस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फूड। तो हम कोशिश करते रहते हैं। गाइस अपनी बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सर ये आपने तंदूर बनाया है सर इसी में ही? हाँ जी। क्या बात है गाइस, ये तो बहुत ही यूनिक है, ये कहीं नहीं देखा होगा आपने। तो जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्वालिटी यूज़ करते हैं, वो अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं। गाइस हमें तो कटिंग से ही जो क्रंचीनेस की आवाज़ है ना गाइस, वो अभी से ही आ रही है। आपको थोड़ा करीब से मैं सुना भी सकता हूँ, ये देखिए। सो व्हाट्सअप फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूड शॉर्ट मेन। तो गाइस आज हम आपके सामने आ चुके हैं सेक्टर 6-7 की मार्केट में। और गाइस यहाँ पर मेरे दोस्त ने और इवन मैंने यहाँ पर सुना भी है, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि यहाँ पर ना गाइस एक ऐसी चाउमीन बनी है जो पूरे रोहिणी में गाइस आपको खाने को नहीं मिल सकती। और जब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर देखा भी, इन्होंने क्लेम भी करा हुआ है रोहिणी में नंबर 1 तंदूरी चाउमीन। गाइस इनके कार्ड पर भी लिखा हुआ है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो गाइस हमारे अंदर भी देखो उत्सुकता हुई है जानने की कि क्या ऐसा है तंदूरी चाउमीन जो पूरी रोहिणी में कहीं मिलती भी नहीं है। तो गाइस उसी के लिए हम आ चुके हैं द बॉस कैफ़े। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाइस, जस्ट 2 साल पहले ही ये हमारा आउटलेट खुला है। और नाम से आपको लग रहा होगा कि कुछ कैफ़े है, कुछ लेविस जगह होगी, लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पर भैया ने अपनी कार्ट लगा रखी है और नाम रखा हुआ है द बॉस कैफ़े। आप इसकी टैगलाइन भी देखिए एक बार, आप टैगलाइन देख सकते हैं द हाउस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फूड, जो इन्होंने टैगलाइन रखी है। गाइस टैगलाइन और नाम इतना इनका अट्रैक्टिव है ना, कोई भी बंदा अगर यहाँ पर आएगा ना एक बार गाइस यहाँ की चीज़ ट्राई ज़रूर करना चाहेगा। और गाइस जितने भी हमने अभी तक इनकी यूट्यूब पर देखो वीडियोज़ भी देखी है ना, उसमें भी लोगों ने ज़्यादातर मेनली तंदूरी चाउमीन के बारे में बताया है। तो गाइस हम चाहेंगे कि जो इनकी टैगलाइन है ना, हम वो दूसरी डिशेज़ में भी ट्राई करें। जैसे यहाँ पर मोमोज भी हैं, चाप भी है, पास्ता भी है। तो हम चाहेंगे कि तंदूरी चाउमीन के अलावा हम कुछ एक दो डिश ऐसी और ले जिसमें भी इन्होंने कुछ ऐसा फ्यूजन बनाया हो जो आपको बहुत ही कम खाने को मिले और रीज़नेबल रेट पे मिल जाए। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम आपको सीधा किचन में ले चलते हैं और आपके भैया से बात करवाते हैं और सारी चीज़ें आपको टेस्ट बताते हैं गाइस। चलिए सर अपना नाम बताइए। मोहित। सर कितने टाइम से लगा रहे हैं आप यहाँ पर? अभी हमें 2 साल हुए हैं लगभग। सर इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब में थे। जॉब? हाँ जी। किस चीज़ की जॉब थी सर अपनी? मैं शटल में था, आईटी डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो सर इसका आपको बॉस कैफ़े का आइडिया कैसे आया सर? एक्चुअली क्या था, मैं और मेरी वाइफ सोच रहे थे कि हम कुछ अपना स्टार्टअप करेंगे। तो हमारे माइंड में काफ़ी आइडियाज़ थे, कुकिंग का मेरा शौक़ भी था, उसने भी थोड़ा मोटिवेट किया। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि इस बिज़नेस में आते हैं। अच्छा, तो सर आप जॉब बिल्कुल छोड़ चुके, आप अपना ये बिज़नेस कर रहे हैं? हाँ जी, हमने शुरू से ही जॉब छोड़ के ही आए थे इसमें फुल टाइम। तो सर यहाँ पर हमने देखा जैसे तंदूरी चाउमीन यहाँ के स्पेशलिटी है, तो सर आपने ढूंढा कैसे, मतलब कि पूरी रोहिणी में कोई भी नहीं देता तो हमें बनाने चाहिए, सर ये आइडिया कैसे आया इसका? शुरू से ही कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि हम जॉब छोड़ के आए थे तो हमारा ऐसा नहीं था कि सिर्फ के कुछ आइटम हो वो बेच के, सिर्फ बिज़नेस आइडिया नहीं था हमारा। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ नया हो मार्केट में और जो हो अच्छा हो, नया हो। तो हमारी जो टैग लाइन है आप देखेंगे वो भी हमने यही लिखी है, हाउस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फूड। तो हम कोशिश करते रहते हैं। तो एक दिन हमने अपने लिए बनाई थी। अच्छा। हमारे तंदूरी मोमोज की सेल काफ़ी अच्छी थी, तो हमने उसी टेस्ट को चाउमीन में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी। हमने अपने लिए बनाई, हमें अच्छा लगा, हमने 2-4 कस्टमर्स को, फैमिली फ्रेंड्स को ट्राई करवाया। जब उसका रिव्यू हमें अच्छा लगा तब हमने स्टार्ट किया उसको। अच्छा। तो मतलब एक तरीके से सर हम फ्यूजन चाउमीन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपने सर जो मोमोज की जो तंदूरी होती है उसको आपने चाउमीन में फ्यूज करके ये ट्राई करा कि चलो कुछ नया करते हैं, तब क्या पता लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहले जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको ट्राई कराते हैं, जिसका रिव्यू अच्छा आता है उसी को फिर हम मेन्यू में डालते हैं। अच्छा, उसी को आप सर मेन्यू में डालते हैं, क्या बात है। तो सर क्या खिलाएंगे फिर आज आप हमें? तंदूरी चाउमीन के अलावा भी हम कुछ खाना चाहेंगे सर यहाँ पर? चाउमीन के अलावा आप मोमोज में ट्राई कर सकते हैं। सर मोमोज में क्या मतलब अच्छा हो सकता है आपके नॉलेज में? तंदूरी मोमोज हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इजीली अवेलेबल होते हैं। हाँ। तो आप भूटानी मोमोज ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक तरह का फ्यूजन है। अच्छा। आप खा के बताइएगा। और स्प्रिंग रोल जो होते हैं उसमें हमारे पास एक कुरकुरे रोल है, वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यूनिक आइटम है, कम जगह अवेलेबल। कम जगह अवेलेबल है। तो चलिए गाइस सर की डिमांड पे एक तो तंदूरी चाउमीन जो है कि स्पेशलिटी है वो तो हम ट्राई करेंगे, और दो इन्होंने और हमें डिश के नाम बताए हैं। आपको मेकिंग दिखाते हैं और आपको उसके बाद हम आपको टेस्ट बताते हैं इसका। चलिए चलते हैं। तो गाइस अपनी पहली डिश लगने जा रही है तंदूरी चाउमीन, और उसकी प्रिपरेशन देखिए बिल्कुल होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये
ये अनियन की कटिंग हो रही है। और ये इसमें जाएंगे कैप्सिकम की, गाइस ये अब कटिंग हो रही है अपनी। ये थोड़ी सी चॉप्ड कैरेट्स, अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो फ्लेवर है तंदूरी चाउमीन का वो बिल्कुल एकदम बढ़िया आना चाहिए। ये क्या चीज़ है सर? जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये गाइस ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। सर ये ऑप्शनल होता होगा? नहीं नहीं, ये जो कई आइटम है हमारी जिसमें नहीं भी होगा, पर जो तंदूरी चाउमीन है उसमें होता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो गाइस ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये तंदूरी चाउमीन में डलता ही डलता है, क्योंकि गाइस स्वाद तभी आएगा आपको बिल्कुल जब सारी चीज़ें डली होंगी। इसमें भी होता ही होता है, इसके बगैर टेस्ट आएगा, इसके बगैर टेस्ट आएगा ही नहीं। अच्छा सर, ये किस चीज़ का पेस्ट होगा सर? ये हमारा तंदूरी मैरिनेट है जो हम पनीर टिक्का या मसाला चाप पे यूज़ करते हैं। हाँ, इसीलिए हम उसी फ्लेवर को यहाँ लाना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, यही सब मसाला हमारे यूज़ करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो गाइस ये इनका तंदूरी का मैरिनेट करा हुआ पेस्ट था, यही इन्होंने एक फ्यूजन जो ट्राई किया था, जैसे कि कहते हैं ना गाइस फ्यूजन इज़ द फ्यूचर। तो गाइस हमें भी यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है कि बहुत ही यम होने वाली है हमारी तंदूरी चाउमीन, देखने में तो लग रही है बढ़िया बिल्कुल, एकदम ग्रेवी बहुत अच्छी लग रही है बिल्कुल, एकदम रेड रेड है। थोड़ा स्पाइसी हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे सर। ओके, देखो देखो तंदूरी की आइटम है, ऊपर से चाउमीन है, तो जब तक स्पाइसी ना होना उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये एक, अब ये सारी गाइस ये सारे मसाले डले हैं इसमें, नमक है, लाल मिर्च है, गरम मसाला। आप ये जो मसाले हैं गाइस अपने हिसाब से बिल्कुल डलवा सकते हैं। ये लाल मिर्च नहीं है, ये एक तंदूरी मसाला है जो दो चार मसालों को मिला के बनाया। अच्छा अच्छा, इससे जो है फ्लेवर में और थोड़ा सा वो तंदूरी का फ्लेवर बढ़ जाता है। अच्छा गाइस, ये जो अभी आपने रेड सा कुछ रेड पाउडर डलता हुआ देखा था, ये लाल मिर्च नहीं थी, ये इन्होंने अपने चार पांच मसाले को मिला के एक तंदूरी मसाला बनाया हुआ है, जो चलो अच्छी चीज़ है, ये भी कुछ नया ही है, कुछ यूनिक है, ये भी एक मज़ा आएगा ये भी ट्राई करने में। ये देखिए गाइस, ये अपनी हमने फुल प्लेट लिया है और ये फुल प्लेट बिल्कुल भर के इसमें चाउमीन डली है। ये क्या बात है, एकदम बिल्कुल लाल लाल फेरी चाउमीन लग रही है बिल्कुल। गाइस अपनी बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, स्वाद अनुसार इसमें नींबू जाता हुआ। सर कितने रुपए की अपनी ये फुल प्लेट तंदूरी चाउमीन? 100 रुपीज़। बस 100 रुपीज़ के हिसाब से देखें तो क्वांटिटी हाँ अच्छी लग रही है, क्वांटिटी में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा हुआ है। और गाइस ये एक फ्यूजन है, तो भाई 100 रुपये में अगर आपको इतना टेस्टी और फ्यूजन मिल सकता है ना, तो मैं तो ये कहूँगा वर्थ है ये 100 रुपीज़ बिल्कुल। बाकी टेस्ट भी देखो गाइस बोलते हैं, तो बाकी टेस्ट बताएंगे बस अपनी बनने वाली है। सर ये आपने तंदूर बनाया है सर ये इसी में ही? हाँ जी। क्या बात है गाइस, ये तो बहुत ही यूनिक है, ये कहीं नहीं देखा होगा आपने। एक्चुअली क्या है कि चाउमीन को तो हम बाहर ले जा नहीं सकते। हाँ, तो इसलिए उस सिस्टम को हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा, मसालों से मसालों का फ्लेवर तो आ जाएगा, पर कोई भी तंदूरी आइटम जब तक जनरली उसमें स्मोक का फ्लेवर ना हो ना, तो वो कम्प्लीट नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गाइस ये तो देखो हमने बहुत ही यूनिक चीज़ देखी है, तो लग रहा है कि कुछ हाँ टेस्ट में भी कुछ लाल जवाब पाएगा ही पाएगा। देखिए कलर देखिए, बिल्कुल जैसे ही यहीं पर ही तंदूर बना दिया इन्होंने, और बिल्कुल कलर एकदम चेंज हो गया चाउमीन का। जनरली जो भी तंदूरी आइटम लोग खाते हैं, चाहे वो पनीर टिक्का हो चाहे कुछ भी हो, वो मिंट सॉस के साथ खाते हैं, तो हम ये चाउमीन भी मिंट सॉस के साथ सर्व करते हैं। अच्छा अच्छा, आपको अगर और कोई सॉस चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने इसका कॉम्बिनेशन मिंट सॉस के साथ बनाया।
गाइस हम इसको जैसे ने बताया हमें कॉम्बिनेशन जो है मिंट सॉस के साथ इसका ज़्यादा बढ़िया बैठेगा। तो मिंट सॉस तो देखो गाइस हमें वैसे भी बहुत पसंद है, हर आइटम के साथ मिंट सॉस बिल्कुल कॉम्बो बढ़िया बैठता है। ये देखिए गाइस एकदम ये अपने बिल्कुल एकदम रेडी हो चुके हैं। अब चलिए इसको हम ना टेस्ट करके बताते हैं मिंट सॉस के साथ कि इसका कैसा फ्यूजन बैठेगा। सो गाइस बिल्कुल अपनी तंदूरी चाउमीन तैयार हो चुकी है, जो दो डिश है वो भी गाइस थोड़ा बनने में हम ये खा के बताएंगे, क्योंकि गाइस इसमें ग्रेवी डली हुई है, अगर हम वो दो डिश की मेकिंग दिखा देंगे तो ये ठंडी हो जाएगी। तो गाइस पहले हम ये खा के दिखाते हैं, फिर अपनी दो दूसरी डिश का नंबर आएगा। चलिए आइए आप ये देखिए एकदम बिल्कुल थिक चाउमीन है, बिल्कुल लंबे लंबे रोल है और क्वांटिटी आप दे सकते हो 100 रुपये में गाइस ये वर्थ है, बिल्कुल क्वांटिटी बहुत अच्छी लग रही है। अब इसको टेस्ट करते हैं, चलिए गर्म है वैसे भी। स्पाइस एकदम बढ़िया, मसाले वेल बैलेंस्ड है, कुछ यूनिक है चाउमीन में। एक तो ये गाइस तंदूरी चाउमीन है और तंदूर करने का तरीका भी अलग था। तो जो ये फ्यूजन है गाइस ये हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्वांटिटी भी हमें बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। अब इसको थोड़ी मिंट सॉस के साथ ट्राई करके देखते हैं कैसा आएगा फ्लेवर। इसको गाइस मिक्स करते हैं थोड़ा, ये देख सकते हैं आप ये हो गया अच्छी तरीके से मिक्स। अभी से हम टेस्ट करते हैं, गाइस मैं ये प्रेफर करूँगा आप इसको सोलली सिर्फ तंदूरी चाउमीन ना खाएं, अब चटनी के साथ मिंट सॉस है ये और भी 2-3 चटनी है इनके पास, अब उनके साथ लेकर ही ट्राई करना है इसको। जो गाइस इसका टेस्ट है वो बहुत यूनिक है, ऐसा चाउमीन का टेस्ट मैंने कभी नहीं खाया। और वैसे भी भैया क्लेम कर रहे हैं रोहिणी में इसको कोई नहीं बनाता, और ये ट्राइड फ्यूजन है गाइस, फ्यूजन इज़ द फ्यूचर जिसे कहते हैं ना गाइस, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हम तो रिकमेंड करेंगे कि ये शॉर्ट गो चीज़ है मेरे लिए। तो हम यहाँ पर बेझिझक आ सकते हैं, 100 रुपये गाइस बिल्कुल वर्थ है। चले गाइस हम इतने इसको ख़त्म करते हैं और आपको अपनी दो डिशेज़ दिखाते हैं और उसका रिव्यू देते हैं। गाइस ये बनने जा रहे हैं अपने वेज भूटानी मोमोस। सबसे पहले ये हो रहे हैं फ्राई अपने, इसे रिफाइंड ऑयल है। हाँ जी हाँ, ये अपना गया जिंजर गार्लिक पेस्ट। सर इसमें भी ऑप्शनल है ये या ज़रूरी है डलवाना? नहीं इसमें आप स्किप भी कर सकते हो। तो गाइस इसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर मोमोज खा रहे हो अगर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं होता गाइस तो थोड़ा सा ना फीका रहता मामला, तो स्किप कराने का ऑप्शन है लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो गाइस आप स्किप कराओ इसको। ठीक है, अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग हो रही है, ये आया कैप्सिकम, ये है अनियन, बड़ी चॉप कैरेट, आग लग गई है बिल्कुल, और टेस्ट में भी बिल्कुल आग लगनी चाहिए। अरे भाई हाँ हाँ, ये देखिए क्या बात है, ये गाइस अपनी यहाँ पर ये ग्रेवी तैयार हो रही है, फिर जो फ्राइड मोमोज है वो इस ग्रेवी में जाके एक अलग ही टेस्ट देने वाले हैं, बिल्कुल बस इंतज़ार नहीं हो रहा, अब जल्दी से बन जाए एकदम। हमारे तो गाइस मुंह में पानी आ रहा है, देखो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके भी आ ही रहा होगा। ये गाइस थोड़ी सी सॉसेज भैया ये ना हमारे ये भी आप थोड़े स्पाइसी रखना। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों अपने भूटानी मोमोज बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं, थोड़े से बस कूल होने के लिए रख दिए। यहाँ पर अपनी ग्रेवी तैयार हो रही है,
स्पाइसी चाहिए ना? यस सर, बिल्कुल स्पाइसी लेंगे। तो गाइस स्पाइस के लिए ऐड हो रही है अपनी सब मोमोज की चटनी होगी ना ये? हाँ जी। देखिए गाइस एकदम आप इसे फियरी कह सकते हैं, फियरी मोमोज एक तरीके से हम ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा फ्यूजन ये है कि जनरली हम जब मोमोज की कोई ग्रेवी बनाते हैं जी, तो उसमें ग्रेवी के अलावा सिर्फ मोमोज ही होते हैं। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टफिंग भी डालते हैं। तो गाइस एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ये भी मैं इसको कहता हूँ फ्यूजन ही कहूँगा, स्टफिंग का फ्यूजन कहूँगा, लेकिन बात बिल्कुल सही कही है कि जितना भी हम देखते हैं सिर्फ मोमोज में ग्रेवी डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन जो इसमें इन्होंने स्टफिंग एक जो फ्यूजन ऐड करा है, इससे हो सकता है कि टेस्ट निखर के ही आए। बाकी गाइस हम ट्राई करके बताएंगे। तो जब आप मोमोज खाते हैं और मोमोज के अलावा ग्रेवी भी खाते हैं तो उसमें भी आपको टेस्ट अलग है। अच्छा, हमारे कई कस्टमर्स को क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो स्टफिंग होती है तो कई कस्टमर्स को रुमाली रोटी के साथ भी खाते हैं। अच्छा, इसके रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको? देखिएगा कितना बढ़िया कलर आया है, ग्रेवी का ही मेरे को इसमें मेन मज़ा लग रहा है। और ये जो फ्यूजन है गाइस, ये मैंने यहाँ अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये भी मैंने पहली बार ही देखा है। मैंने तो नॉर्मली हम जो मोमोज खाते हैं वो सिंपल ही होते हैं और ग्रेवी में इतने कुछ ज़्यादा डला हुआ नहीं होता, तो उम्मीद है हमें टेस्ट बिल्कुल और अच्छी तरीके से निखर के आएगा। ये गाइस अपनी प्लेटिंग होने जा रही है। प्राइसिंग क्या होगी भूटानी वेज ग्रेवी मोमोज की? 90 रुपीज़। 90 रुपीज़। सर कितने पीसेज हैं ये? 8 पीसेज हैं फुल में, और फुल हाफ में। की 55। हाफ की 55। सर इसको किसके साथ सर्व करते हैं आप? क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा स्पाइसी होता है तो लोग इसको मिंट सॉस और मेयोनीज के साथ प्रेफर करते हैं। मिंट सॉस और मेयोनीज के साथ? हाँ। क्योंकि स्पाइसी वाली सॉस इसमें ऑलरेडी होती है। अच्छा, बाकी आप बताओ आपको किस सॉस के साथ है? सर हम भी सर मिंट और मेयोनीज के साथ ही ट्राई करा दीजिए। ये हमने मेयोनीज और मिंट की सॉस लिया, चलिए अब टेस्ट करके बताते हैं। कुरकुरे तो, स्प्रिंग रोल है भी ये। अच्छा, ये गाइस ये है देखिए कुरकुरे स्प्रिंग रोल। सर इसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग करी हुई है इसको कुरकुरा बनाने के लिए? कॉर्नफ्लेक्स के लिए। कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग है? क्या बात है, पीसेस देख सकते हैं उसका। अच्छा, अब गाइस इसको हेल्दी कहें या क्या कहें, अब देखो समझ में तो आ नहीं रहा हमें, लेकिन टेस्ट लग रहा है अच्छा पाएगा कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग से, थोड़े अगर कुरकुरे हो जाए और फ्राइड अच्छे से हो के गाइस मज़ा आ जाएगा। देखो बाहर का खाना खाते हैं तो थोड़ा तो होता ही है कि वो मसाले वाला होगा, फ्राइड होगा, तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितना हो सके एटलीस्ट मटेरियल जो है वो हेल्दी यूज़ करें जितना भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम तेल की जगह कोई और चीज़ तो यूज़ कर नहीं सकते। फ्राई तो फ्राई होगा, तंदूर तो तंदूरी होगा, तो जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्वालिटी यूज़ करते हैं, वो अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं। सो गाइस अब अपने तैयार हो चुके हैं जोमेटो से होती है कुरकुरे स्प्रिंग रोल। आप क्रंच ऑलरेडी देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फ्राई हो रखी है ये चीज़। गाइस हमें तो कटिंग से ही जो क्रंचीनेस की आवाज़ है ना गाइस वो अभी से ही आ रही है, आपको थोड़ा करीब से मैं सुना भी सकता हूँ। ये देखिए गाइस चार इतने बड़े बड़े पीसेस है। सर प्राइसिंग क्या होगी इसकी? 100 रुपीज़ भी है। 100 रुपीज़ की। और सर हाफ प्लेट में कितने पीस आते हैं? ये चार छोटे पीस जो हैं हाफ में है। अच्छा अच्छा, ये फुल की कौन? ये फुल की कौन? हाफ 60 रुपीज़ एंड फुल 100 रुपीज़। गाइस अब इसकी ये प्लेटिंग होने जा रही है, बिल्कुल एकदम कुरकुरे एकदम वेल फ्राइड है। आप जो ब्राउनिश कलर है ना गाइस इस पे, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो रखे हैं। गाइस डिश बिल्कुल एकदम टेस्ट करने के लिए तैयार है, अब आपको चलिए दोनों डिशेज जो अभी हमने बनवाई है उनका टेस्ट बताते हैं आपको। तो चलिए गाइस हमारी दोनों डिशेज लग चुकी है, जैसे कि आपने पहले देखा मेरे भाई ने बताया कि तंदूरी चाउमीन कैसी है, क्या टेस्ट है उसका, तो मैं टेस्ट के बताता हूँ कि भूटानी मोमोज। तो ज़रा पहले आप ये देखिए स्टफिंग देखिए आप इनकी कितने आराम से टूट, मतलब फ्रेश है एकदम, और स्टफिंग भी देखिए कितनी अच्छी खासी स्टफिंग भर रखी है इन्होंने इसमें। तो टेस्ट करते हैं, हमने लगाई थोड़ी मेयोनीज और ये ग्रीन चटनी।
टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जिन्होंने ऊपर वेजी का फ्यूजन करा है बहुत ही बढ़िया आ रहा है। ये मस्ट ट्राई चीज़ है, अगर आप इस एरिया में हो सकते हैं तीन रोहिणी में तो आप बिल्कुल यहाँ पर आकर ट्राई करिए ये चीज़। तो अब हम ट्राई करते हैं अपने कुरकुरे स्प्रिंग रोल। गाइस सर आप इसके पहले आवाज़ सुनिए कितना क्रंची हुआ है, और उसकी आप फीलिंग भी देखो तो क्या, हाँ क्या फीलिंग है, और एकदम गर्मा गर्म है। तो हम ट्राई करते हैं इसको। हमने लगाई थोड़ी मेयोनीस और मोमो की चटनी, मस्त ट्राई चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। जो उन्होंने अंदर पत्ता गोभी का मिक्सचर करके बनाया स्प्रिंग रोल में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और स्पेशली इनके अच्छे लगे कुरकुरे स्प्रिंग रोल, उनका टेस्ट और बढ़िया है क्योंकि इसको कॉर्नफ्लेक्स कोटिंग हो रखी है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तंदूरी चाउमीन गाइस यहाँ के बहुत फेमस है। हमने जो दो एक्स्ट्रा डिशेज आपको ट्राई करके बताई है गाइस, ये हम चाहते हैं कि ये भी गाइस यहाँ पर फेमस होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूजन है और ये इतनी यूनिक चीज़ है गाइस, आपको बहुत कम खाने को मिलेगी। और गाइस मैं आपको एक बार लैंडमार्क की बात करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट में ये अग्रवाल ज्वेलर्स है, उनके जस्ट सामने गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉस कैफ़े आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और जो इनके गाइस टाइमिंग्स रहती है वो रहती है दोपहर को 4 बजे, हाँ दोपहर को 4 बजे से शाम के 10 बजे तक, वीकडेज में मंडे को ऑफ रखते हैं गाइस। और सबसे अच्छी बात एक तो यहाँ पर गाइस देखो, पहली चीज़ फ्यूजन है, मस्ट ट्राई चीज़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ का फ्यूजन, जितने भी हमने तीनों डिश ट्राई करी है। प्राइसिंग के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से तीनों चीज़ हम अगर हम कंपैरिजन करें तो गाइस वर्थ है यहाँ पर आकर एक बार के लिए, तो गाइस आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप सेक्टर 7-8 के मार्केट में या सेक्टर 3 के मार्केट में है तो आप यहाँ पर आकर मस्ट ट्राई चीज़ है, आप यहाँ पर आइए ट्राई करिए। और तब तक हम इसको फिनिश करते हैं, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।